तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि Realme C12 और Realme C15 स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिए गए हैं, लेकिन गाइस आज की वीडियो में हम लोग Realme C12 वर्सेस Redmi 9 का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि Redmi 9 स्मार्टफोन भी 27 अगस्त को इंडिया की मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों स्मार्टफोन 10,000 रुपये से कम प्राइस में आते हैं, यानी कि दोनों स्मार्टफोन बजट रेंज के स्मार्टफोन हैं। ऐसे में गाइस, अगर आप एक बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो और आप कन्फ्यूज हो कि हम किस स्मार्टफोन को खरीदे, तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए Realme C12 बेस्ट होगा या Redmi 9 बेस्ट होगा, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन बजट रेंज के स्मार्टफोन हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन पर लगभग आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन HD+ के रेजोल्यूशन के साथ, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन बराबर के स्मार्टफोन है। प्रोसेसर पावर की बात करें तो ऐसे में दोनों स्मार्टफोन MediaTek Helio G35 के एसोसिएट के साथ आते हैं, जो 12nm टेक्नोलॉजी पर बेस है। और यहाँ आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है। गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि MediaTek Helio G35 एसोसिएट का अंतुति स्कोर करीब 1,08,000 के आसपास आता है, यानी कि MediaTek Helio G35 एसोसिएट आप लो सेटिंग पर ही पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी हाई गेम को ही खेल पाओगे, यहाँ आप हाई सेटिंग में गेम प्ले नहीं कर पाओगे। लेकिन देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन प्रोसेसर के मामले में बराबर के स्मार्टफोन है। माइक्रो एसडी कार्ड के एक डेडिकेटेड स्लॉट मिलते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करिए तो जो Realme C12 स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 9,000 रुपये मिलती है। लेकिन लीक्स और रूमर्स की माने तो बताया जा रहा है कि जो Redmi 9 स्मार्टफोन होगा, ये स्मार्टफोन भी करीब 8,000 रुपये के आसपास लॉन्च किया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको मोर रैम और मोर स्टोरेज मिलेगा, जो Realme ने ये पब्लिक कर दिया है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली अब बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन के कैमरे की। Realme C12 स्मार्टफोन पर ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा, Redmi 9 पर डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। दोनों मोबाइल फोन पर प्राइमरी कैमरा 13 MP का दिया गया है और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, Realme C12 स्मार्टफोन पर एक सेंसर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, क्योंकि Realme C12 स्मार्टफोन एक मैक्रो सेंसर के साथ भी आता है, जो Redmi 9 स्मार्टफोन पर मिसिंग रहने वाला है। दोनों स्मार्टफोन 5 MP के सेल्फी कैमरे के साथ भी आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरे के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन बराबर के हैं, लेकिन Redmi 9 स्मार्टफोन पर आपको मैक्रो सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप मैक्रो शॉट नहीं ले पाओगे Redmi 9 स्मार्टफोन से। बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फोन की बैटरी की। तो Redmi 9 स्मार्टफोन आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा और Realme C12 आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक मैसिव बैटरी आपको Realme C12 स्मार्टफोन पर मिलती है, जो 6000 mAh की एक मैसिव बैटरी है, लेकिन Realme C12 स्मार्टफोन पर केवल आपको 10W की क्विक चार्जिंग मिलेगी, माइक्रो USB पोर्ट मिलेगा। बात करते हैं Redmi 9 की चार्जिंग को लेकर, तो गाइस अभी तक ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया गया था, ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन 18W की चार्जिंग के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि गाइस Redmi कम प्राइस के अंदर भी 18W की चार्जिंग को मुहैया कराता है। लेकिन गाइस, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि Redmi 9 स्मार्टफोन भी क्या 10W की चार्जिंग के साथ लॉन्च किया जाएगा, 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च होगा। मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन 18W की चार्जिंग के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है। तो बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के OS और UI की। तो दोनों स्मार्टफोन पर Android 10 का सपोर्ट मिलता है, खुद की कस्टम UI मिलती है, यानी कि Redmi 9 पर MIUI 11 देखने को मिलेगी और Realme C12 पर आपको Realme UI का सपोर्ट मिलता है। दोनों स्मार्टफोन पर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक भी दिया गया है, लेकिन Redmi 9 पर आपको IR ब्लास्टर मिलता है, जो Realme पर मिसिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि IR ब्लास्टर सिर्फ आपको Xiaomi के स्मार्टफोन पर ही देखने को मिलता है, अदर ब्रांड इस IR ब्लास्टर को यूज नहीं करती है। तो ये तो थी गाइस दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन। प्राइस की बात करिए तो दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में मुझे लगता है कि 1000 रुपये का डिफरेंस रह सकते हैं। Redmi 9 स्मार्टफोन Realme C12 से 1000 रुपये कम में लॉन्च किया जा सकते हैं, बट ये तो 27 अगस्त को कन्फर्म हो जाएगा। बट गाइस, आपने खुद भी एनालाइज कर लिया होगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। अगर गाइस Redmi 8 स्मार्टफोन 8000 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं Redmi 9 स्मार्टफोन भी आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये स्मार्टफोन 1000 रुपये कम प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, यहाँ आपको 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं कि गाइस Redmi 9 स्मार्टफोन को किस कीमत में लॉन्च किया जाएगा और किस रैम और स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा। बट अभी तक मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से आपके लिए दोनों स्मार्टफोन बेस्ट है। अगर Redmi 9 कम प्राइस में लॉन्च होता है, तो नो डाउट आपके लिए Redmi 9 ही बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस, अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर
जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा लें।